तो दोस्तों आज हो गई है 5 मार्च और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा दावा, किसानों के समर्थन में भाजपा का एक सांसद देगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 3 महीने से भी ज्यादा समय से लगातार जारी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कुछ ऐसा कहा है जिससे हड़कंप मच गया है बीजेपी में। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि किसान आंदोलन के समर्थन में इसी महीने भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन यह सांसद कौन है इसका यहां पर खुलासा राकेश टिकैत ने नहीं किया है। तो वहीं राकेश टिकैत के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में कयास लगाए जाने लगे हैं कि किसानों के समर्थन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा का कोई भाजपा सांसद इस्तीफा दे सकता है, लेकिन इस बात का यहां पर राकेश टिकैत ने खुलासा नहीं किया है कि वह सांसद कौन होगा। देख सकते हैं दोस्तों हड़कंप बीजेपी में मच चुका है, राकेश टिकैत ने कर दिया है बड़ा दावा, भाजपा का पहला विकेट गिरने जा रहा है, ये कहना है राकेश टिकैत का। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही हटाई जाएगी ईवीएम। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। सपा मुखिया ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि ईवीएम पर किसी को भी भरोसा नहीं है, समाजवादी पार्टी की सरकार जब सत्ता में आएगी तो सबसे पहले ईवीएम को ही हटाएगी। अखिलेश यादव ने अमेरिका में हुए चुनाव का जिक्र करते हुए कहा है कि वहां बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, चुनाव के बाद मतगणना कई दिनों तक चली थी, यदि भारत में भी बैलेट पेपर से वोटिंग होगी तो हम लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब होंगे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े सभी लोग अपना वोट डालेंगे तो बीजेपी चुनाव जरूर हार जाएगी। देख सकते हैं अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि सत्ता में आते ही सबसे पहले वो काम करेंगे, वो काम होगा ईवीएम को हटाना, क्योंकि लोगों का विश्वास ईवीएम पर बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अगर आप लोग भी खुलकर के ईवीएम का बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर के जरिए चुनावों का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए बायकॉट ईवीएम। दरअसल दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा से दोस्तों बड़ी खबर है, बीजेपी और जेजेपी में दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में लव जिहाद कानून पर भाजपा और जेजेपी अलग अलग, डिप्टी सीएम चौटाला ने दे दिया है बड़ा बयान, बीजेपी में मचा है हड़कंप। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में लव जिहाद कानून बनाने के विरोध में यहां पर बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद नाम से प्रदेश में कोई कानून नहीं आने जा रहा है, अगर किसी भी धर्म विशेष को लेकर के कोई भी कानून आएगा तो हम इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस कानून के आने पर हम सरकार का साथ किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, ये यहां पर देख सकते हैं दुष्यंत चौटाला की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। लगातार बीजेपी और जेजेपी के बीच में दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं हरियाणा के अंदर। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना बंगाल में करेगी ममता बनर्जी का खुला सपोर्ट, बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दल हो रहे हैं एक, बीजेपी की चौतरफा मुश्किलें बढ़ी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, शिवसेना ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव वहां नहीं लड़ेगी, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को समर्थन दे दिया है शिवसेना ने। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी ने भी टीएमसी को समर्थन किया है। पार्टी सुप्रीमो और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा के बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इस फैसले की यहां पर घोषणा की है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना के नेता संजय राउत ने पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से चर्चा करने के बाद कहा है कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, ऐसा लगता है कि यह दीदी वर्सेस ऑल की लड़ाई बन चुकी है। ऑल यम्स का मतलब है मनी मसल और मीडिया का इस्तेमाल ममता दीदी के खिलाफ किया जा रहा है, ऐसे में शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। हम ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं क्योंकि हम ममता दीदी की सफलता चाहते हैं, हमारा मानना है कि वह असल बंगाल की शेरनी है।
देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के बाद अब उद्धव ठाकरे ने भी कर दिया है ममता बनर्जी को समर्थन देने का बड़ा ऐलान और कहा है कि हम ममता दीदी के साथ हैं। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। पेट्रोल पंप से हटाई गई प्रधानमंत्री मोदी की होर्डिंग्स। बाघेला बोले, इलेक्शन कमीशन को भी पता है, इन्हें देख करके लोग भड़क जाते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। सभी राज्यों में आचार संहिता लागू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 8 चरणों में मतदान करवाया जाएगा। इसी कड़ी में अब खबर सामने निकल के आई है कि केंद्रीय योजनाओं के विज्ञापन वाले होर्डिंग्स को अब पेट्रोल पंपों से हटवा दिया गया है। इन होर्डिंग्स में देश के प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किया जाना आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। एक खबर के मुताबिक आप लोगों को बताते चलें, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 72 घंटे के अंदर पेट्रोल पंपों से पीएम मोदी की तस्वीर वाली होर्डिंग्स हटाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की थी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, इस मामले में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने इस खबर का यहां पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि चुनाव आयोग को भी मालूम है कि अब पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री का फोटो देख करके लोग भड़क जाते हैं। देख सकते हैं बड़ी खबर है। तो वहीं एक और अपडेट आप लोगों को दोस्तों इस बीच बताते चलें, मोदी राज में भारत में कम हुई है आजादी, अमेरिकी रिपोर्ट का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, अमेरिकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में लोगों की स्वतंत्रता पहले से कुछ कम हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत एक स्वतंत्र देश से आंशिक रूप से स्वतंत्र देश में बदल गया है। दरअसल इस रिपोर्ट में पॉलिटिकल फ्रीडम और मानवाधिकार को लेकर के कई देशों में रिसर्च की गई थी। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि साल 2014 में भारत में सत्ता परिवर्तन के बाद नागरिकों की स्वतंत्रता में गिरावट आई है। फ्रीडम हाउस की ओर से रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 के बाद से भारत में मानवाधिकार संगठनों पर दबाव भी काफी बढ़ गया है। राष्ट्रद्रोह कानून और मुसलमानों पर हमलों का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि देश में नागरिक स्वतंत्रता के हालात में यहां पर गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट में भारत के कम अंक करने के पीछे का कारण सरकार और उसके सहयोगी पार्टियों की ओर से आलोचकों पर शिकंजा कसना बताया गया है। तो वहीं फ्रीडम हाउस की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने विश्व में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने वाले देश के तौर पर अपना रुतबा बदल करके चीन जैसे देशों की तरह एक तानाशाही रुख अपना लिया है। मोदी और उनकी पार्टी ने भारत को एक अधिनायकवादी राष्ट्र के रूप में बदल दिया है। दोस्तों देख सकते हैं रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, लोकतंत्र के रास्ते से पूरी तरीके से भटक गया है भारत। फ्रीडम हाउस ने भारत की रैंकिंग घटा करके आंशिक स्वतंत्र देश के रूप में कर दी है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे, अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग इस रिपोर्ट से सहमत हैं या फिर नहीं। इस खबर पे आप लोगों की राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी सांसद की राय, मेरे फार्मूले पर समझौता करें या फिर कृषि कानून रद्द करें मोदी सरकार। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के नेता और राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि इस समय सरकार या तो मेरे बताए फार्मूले के मुताबिक समझौता करे, नहीं तो कृषि कानून को तत्काल रद्द कर दे। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है, इस समय जब आर्थिक मंदी चल रही है, चीन हमारी जमीन कब्जा करने पर लगा हुआ है, सरकार भी जंग के लिए तैयार नहीं है और उसे राज्यों में चुनाव भी लड़ने हैं। मैं ये सलाह देता हूं कि सरकार या तो मेरे बताए 3 बिंदुओं के मुताबिक किसानों से समझौता कर ले या फिर कृषि कानूनों को रद्द कर दे। इससे पहले किसानों और सरकार के बीच गतिरोध के समाधान के लिए स्वामी ने एक सुझाव दिया था। सांसद ने कहा कि अगर सरकार इस फॉर्मूले को मानती है तो किसानों और सरकार के बीच चल रही समस्या का समाधान हो सकता है। स्वामी की सलाह है कि कृषि कानूनों को लागू करने के लिए केंद्र को गेंद राज्यों के पाले में फेंक देनी चाहिए जिससे उसके ऊपर से दबाव हट जाए। स्वामी का कहना है कि जो भी राज्य कृषि कानूनों को लागू करना चाहते हैं उनको केंद्र ऐसा करने दे और जो नहीं चाहते हैं उन पर दबाव बिल्कुल भी ना डाले। जो राज्य सरकार कानून की मांग करें उसको ही ये कानून लागू करने दिए जाएं। तो वहीं स्वामी ने आगे कहा है कि किसानों को MSP निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए। देख सकते हैं बीजेपी सांसद की राय है, मेरे फॉर्मूले पर समझौता करें मोदी सरकार या फिर कृषि कानूनों को तत्काल रद्द कर दें। यह यहां पर दोस्तों बड़ी खबर है। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों,
रसोई गैस की बढ़ी कीमतों के खिलाफ ममता बनर्जी 7 मार्च को उत्तरी बंगाल में करेंगी पदयात्रा। बीजेपी के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। देश में लगातार बढ़ रही तेल और गैस की कीमतों को ममता बनर्जी ने यहां पर मुद्दा बना लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गैस की कीमतों को लेकर के राज्य भर में पद यात्राएं शुरू करने वाली हैं। टीएमसी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। ममता बनर्जी की पदयात्रा 7 मार्च को होगी। ममता गैस की बढ़ी कीमतों के मुद्दे पर बीजेपी को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। दरअसल दोस्तों, विपक्ष लगातार तेल की कीमतों को लेकर के मोदी सरकार पर हमलावर है, और इस बीच यहां पर देख सकते हैं कि ममता बनर्जी ने भी यहां पर बीजेपी को घेरने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, असली मंडी का पता चल गया है। वो मंडी है दिल्ली का संसद भवन। राकेश टिकैत बोले वहां एमएसपी पर फसल खरीदी जाएगी। आप लोगों को बताते चले, राकेश टिकैत कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसान महापंचायतों का हिस्सा बन रहे हैं। पिछले कई दिनों से वो राजस्थान के विभिन्न जगहों पर महापंचायतों को संबोधित कर रहे हैं और किसानों को जातिवाद से ऊपर उठ करके आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने राजस्थान के नागौर में आयोजित किसान महापंचायत में हिस्सा लिया और वो वहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से बरसे हैं। नागौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के सांसद हनुमान बेनीवाल के प्रभाव क्षेत्र में आता है। हनुमान बेनीवाल भी कृषि कानूनों के विरोध में सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं। नागौर किसान महापंचायत में बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी सरकार कह रही है कि देश में हर जगह एमएसपी पर फसल की खरीदी हो रही है, तो किसान अपनी फसल लेकर के संसद भवन पहुंच जाएं, क्योंकि वो अपनी फसल आधे दाम पर बेच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब किसानों को असली मंडी का पता चल गया है, जो कि संसद भवन है। ये यहां पर राकेश टिकैत की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, देश के लोगों को कोरोना का टीका नहीं लग पा रहा है और हम दान दिए जा रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया व भारत बायोटेक को कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके को लेकर के अपनी निर्माण क्षमता का खुलासा करने का निर्देश दे दिया है। आप लोगों को आगे बताते चलें, इसके साथ ही कोर्ट ने कोविड का टीका बाहर भेजे जाने पर भी यहां पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि कोविड-19 टीके दान दिए जा रहे हैं, अन्य देशों को यहां पर बेचे जा रहे हैं, अपने लोगों का टीकाकरण नहीं किया जा रहा है, अत्यावश्यकता की भावना अपेक्षित है। ये यहां पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।